क्या आप भी बेली फैट से परेशान हो चुके हैं? बहुत से तरीके ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने ये 3 स्टेप सिंसियरली और प्रॉपरली फॉलो किए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फैट लॉस कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मेरे पास एक शेकर है, ये शेकर फुल पानी से भरा हुआ है। अगर ये शेकर यहाँ से गिर गया नीचे और इसमें से कुछ पानी बाहर निकल गया, तो फिर मैंने वापस से इसमें उतना पानी डाल दिया और इस शेकर को पूरा भर दिया। तो पहले इसका वेट 2 kg था और अभी मैंने फिर से पानी भरने के बाद इसका वेट 2 kg ही रहेगा। बिल्कुल सेम चीज हमारे बॉडी के साथ होती है। हम जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और कैलोरीज बर्न करते हैं, उसके बाद घर आते हैं और वापस से उतनी ही कैलोरीज खाते हैं या उससे कई गुना ज्यादा खाते हैं। इससे आपका फैट लॉस तो नहीं होगा बल्कि आपका वेट और गेन होगा, आपका बेली फैट और बढ़ेगा। आपको कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है ये मैंने पिछले इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो पूरा देखना है और कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है ये जान लेना है। ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी डाइट है। जितना हमारा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है उतनी ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग भी है। और थर्ड स्टेप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक ट्राइपॉड को खड़े लेने के लिए 3 पैरों की जरूरत पड़ती है, उसके तीनों पैर इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी तरह फैट लॉस के लिए ये तीनों स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिम में 100-200 क्रंचेस लगा रहे हैं, कुछ लोग 500 क्रंचेस लगा रहे हैं, हमारे कोर का वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मसल को ट्रेन करना और फैट को कम करना, इन दोनों में अंतर होता है। ऑब्लिक्स का वर्कआउट करते हो आप, तब आपका ऑब्लिक मसल ट्रेन होता है, ना कि आपका बेली फैट कम होता है। आपको वहाँ पर सोरने लगती है, आपको लगता है कि आपका फैट कम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी मसल ट्रेन हो रही होती है। तो फैट लॉस और मसल ट्रेन होने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो। आपको कोर मसल को हफ्ते में उतनी ही बार ट्रेन करना है जितनी बार आप बाकी मसल को ट्रेन करते हो। आपकी बॉडी आपके पूरे शरीर से फैट लॉस करती है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक जगह से आप फैट लॉस कर सकते हो। ये बात आप अच्छे से समझ लो कि आप सिर्फ अपना बेली फैट कम नहीं कर सकते, आपका पूरे बॉडी का फैट लॉस होगा। सिर्फ बेली फैट कम करना चाहते हो मतलब कि आप इस शेकर से पानी तो पीना चाहते हो लेकिन सिर्फ एक साइड का आपको पानी पीना है और एक साइड का वैसे ही रहने देना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो इसके ऊपर की जो लेयर है उतना पूरा सरफेस का आप पानी पी सकते हो जितना पियोगे उतना, वैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर का जो सरफेस है वो पूरा फैट लॉस एक साथ होता है, ना कि आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का फैट लॉस कर सकते हो। फैट मोबिलाइजेशन क्या होता है? हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्लड के थ्रू पास होते हैं और फिर हम उसे एज ए फ्यूल यूज करते हैं हमारे वर्कआउट के वक्त। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, जब हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, कम कैलोरीज हमारी बॉडी में डालते हैं, तो हमारी बॉडी हमारे फैट्स को एज ए फ्यूल एज ए एनर्जी यूज करती है। यही सेम चीज है फैट मोबिलाइजेशन। मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे फेस से फैटी एसिड रिलीज हुए, मेरे फेस पर भी फैट है ना, तो मेरे फेस से फैटी एसिड रिलीज हुए और फिर एज ए फ्यूल उसे यूज किया गया चेस्ट वर्कआउट के वक्त, और फिर मेरे फेस का फैट कम हो जाएगा। तो ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा फैटी एसिड कहाँ से रिलीज होगा। मैं लेग का वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे आर्म से हो सकता है, मेरे फेस से हो सकता है, मेरे चेस्ट से हो सकता है, मेरे कोर से हो सकता है, कहाँ से भी फैटी एसिड रिलीज हो सकते है, ये चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये चीज बॉडी खुद अपने आप डिसाइड करती है, बॉडी अपने हिसाब से फैटी एसिड रिलीज करती है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको बेली फैट कम करना है तो सिर्फ आपका बेली फैट कम हो जाएगा। ये सब चीज आप दिमाग में डाल लो, अच्छी तरीके से समझ लो कि फैट लॉस कैसे काम करता है। सबसे लास्ट चीज है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। शुरुआत के 6-8 हफ्ते, शुरुआत के 1-2 महीने आपको कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे शुरुआत में कम रिजल्ट दिख रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे जब मैं
तीन से चार मंथ से फाइव मंथ के बीच में गया तो मुझे ज्यादा रिजल्ट दिखने लगे। आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आपका फैट कम होगा। आपको शुरुआत में कम रिजल्ट मिलेंगे लेकिन लास्ट में आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। तो इन थ्री स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है फैट लॉस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।